एक सवाल ये था कि मेरी मतलब बहन है, उनके बच्चे थे जैसे, तो उनको मतलब वो उनको मैंने बोला था कि मतलब ये मतलब कोई आलिंग वगैरह, बच्चे को आलिंग वगैरह में ऐड करो या कोई हाफिज वगैरह बनाओ। तो उनका मतलब ये नजरिया ये था कि आलिम बनेगा या कोई मतलब ये बनेगा तो वो बेचारे मतलब वो क्या कमाएंगा, वो क्या करेगा। तो शेख मतलब उनके उनको सुना कि आलिम मतलब कुछ कमा नहीं सकते, मतलब कुछ क्या ही कमाएंगे इंजीनियर के मुकाबले, आपके डॉक्टर के मुकाबले। तो शेख मतलब एज मतलब इंसान जब आलिम वगैरह बन जाता है, उनके पास अपॉर्चुनिटी क्या रहती है? हम लोग तो आलिम तो नहीं है, आपके लोग शेख आलिम वगैरह है तो पूछना था शेख, ताकि उनको मैं बता सकूँ कि ऐसा नहीं कि आलिम पैसा नहीं कमाता, माशाल्लाह आज तो वैसा टाइम है। मैं इसका क्या जवाब दूँ? देखिए, ये आपकी बहन का नजरिया नहीं है, सिर्फ आप ये मत समझिए कि ऐसा सिर्फ आपकी बहन सोचती हैं। ये हमारा जो समाज है अभी, हिंदुस्तानी समाज, खुसूसन हिंदुस्तानी समाज, ये कई सारे मसाइल में बीमार हो चुका है। बीमार है ये, इसका इलाज, यानी सामूहिक बीमारी है, इज्तिमाई बीमारी, तो इसके इलाज की ज़रूरत है। और उन्हीं बीमारियों में से एक बीमारी ये भी है कि अगर हमारा बच्चा दीन पढ़ेगा, काल अल्लाह और काल रसूल पढ़ेगा, तो कमाएगा क्या, उसके लिए क्या चांसेस हैं मुस्तकबल में, है ना? तो ये एक बीमारी है। पहली बात तो आप ये समझें, सबसे पहली बात, एक मुसलमान अगर कोई है तो उसका ईमान अल्लाह पर होना चाहिए, और साथ में जिसका ईमान अल्लाह पर है उसका ईमान ये भी होना चाहिए कि रोजी देना ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है, रोजी का मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन है। आप असबाब इख्तियार करते हैं, बाकी देना देने का इख्तियार अल्लाह के पास है। कितने लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो रात दिन मेहनत करते हैं, फिर भी बेचारे गरीब रह जाते हैं। तो अगर सिर्फ मेहनत करने से रोजी मिलती तो ये बेचारे बहुत सारे मजदूर, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी मदद करे, बहुत सारे मजदूर गरीब नहीं होते, वो 24 घंटा मेहनत करते हैं। तो मेहनत करने से जरूरी नहीं है कि आपको ज्यादा रोजी मिलेगी। तो रोजी देने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है, ये ईमान होना चाहिए एक मुसलमान का, ये पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर कोई इंसान दीन का इल्म हासिल कर रहा है तो जिस वक्त वो दीन के इल्म में जा रहा है, जाने से पहले वो एक नियत करे। वो नियत क्या करे कि ये दीन का इल्म जो है ये इबादत है। आप, ये दुनियावी चीज नहीं है। आप डॉक्टरी पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, आप कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, कोई भी इल्म पढ़ रहे हैं, ये दुनियावी उलूम है। इसमें आप पैसा कमाने की नियत करें, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब आप दीन का इल्म सीखने जा रहे हैं, आपकी नीयत यह होनी चाहिए कि मैं इबादत करने जा रहा हूं और दीन का इल्म हासिल करने का मकसद दुनिया कमाना नहीं है। अगर किसी ने दुनिया कमाने के मकसद से दीन का इल्म हासिल किया, ऐसे आदमी के लिए वईद है कि उसको जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मन तअल्लमा इल्मन मिम्मा युमता बिही वजहुल्लाह, किसी ने ऐसा इल्म हासिल किया जिस इल्म के हासिल करने का मकसद अल्लाह की रजा और खुशनुदी होती है, यानी शरीयत का इल्म, दीन का इल्म, और अगर उसने हासिल किया दुनिया कमाने के लिए, ऐसी सूरत में लम यरे हराए हतल जन्ना, उसको जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। तो दीन का इल्म हासिल करना ये इबादत है और अफजल तरीन इबादात में से एक इबादत है। तो अगर कोई इस रास्ते में आना चाहता है तो सबसे पहले तो ये दिमाग में रखे कि इस इल्म के जरिया से मेरा मकसद दुनिया कमाना नहीं है, ये तीसरी बात। चौथी बात ये कि जब आप दीन का इल्म हासिल किया, आपने अल्लाह के लिए हासिल किया, आप यकीन करें दुनिया, मालो दौलत, रिज्क, ये आपके पीछे पीछे आएंगे, आपको उसे तलब करने की जरूरत नहीं है। मैं इसकी मिसाल ऐसे देता हूं कि जैसे कोई इंसान अगर अपने साये के पीछे भागे तो अपने साये को कभी नहीं पकड़ सकता है वो, लेकिन अगर वो उसके मुखालिफ सिमत में भागेगा तो साया उसके पीछे आएगा। तो रिस्क का मामला ऐसे ही है। अगर आप इस इल्म को अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा हासिल करने के लिए सीख रहे हैं, आप यकीन करें पूरी दुनिया आपके पीछे आएगी,
रिस्क देना ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की जिम्मे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिम्मा है, तो रिस्क आपको मिलेगा। एक आखिरी बात, आखिरी बात, मैं बहुत सारे दुनियावी उलूम पढ़ने वालों को, यहां तक कि पीएचडी होल्डर्स को मैंने देखा है बेरोजगार, परेशान हाल। आप इंटर बीए एमए तो छोड़ दीजिए, बहुत सारे पीएचडी किए हुए बेरोजगार हैं, रिक्शा चलाते हैं और बहुत सारे क्या क्या काम। आप हिंदुस्तान में हालात देखिए ना, अभी नौजवान जो आवाजें उठा रहे हैं बेरोजगारी के सिलसिले में, वो पढ़े लिखे नौजवान हैं, कोई रोजगार नहीं है उनके पास। लेकिन आप अपने समाज में नजर दौड़ा करके देखिए, एक आलिम दीन हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा ना कमाता हो, लेकिन इतना जरूर वो जुड़ा हुआ है किसी काम से कि इज्जत की दो रोटी अपने घर में खाता है, अपने बाल बच्चों को इज्जत के साथ रखता है। आपने बहुत कम देखा होगा, बहुत कम देखा होगा शायद, कि कोई आलिम दीन है और उसकी बीवी या उसके बच्चे इधर उधर दरबदर ठोकरें खा रहे हैं। हो सकता है कम में गुजारा कर रहा हो, सूखा फीका खा रहा हो सकता है ऐसा, लेकिन इज्जत की जिंदगी गुजारता है। देखिए इस्तेसनाआत एक्सेप्शन हर जगह है। अब अगर कोई किसी के अंदर अपनी जाती खराबियां हैं, उसकी वजह से वो बहुत सारे गलत कामों में या परेशानियों में मुलव्वस है, वो अलग मसला है। लेकिन जो हकीकी उलमा है, आप अगर उनको बहुत अमीर नहीं देखेंगे तो आप परेशान हाल भी नहीं देखेंगे। तो ये एक, देखिए ये एक हरबा है। अगर आपको, आप जो है किसी समाज और मुआशरे को दीन से दूर करना चाहते हैं, और अगर आप जो है अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ बातें करेंगे, तो लोग दीन से दूर नहीं जाएंगे, आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। भाई ये तो कुरान के खिलाफ बात कर रहा है, ये तो सुन्नत के खिलाफ बात कर रहा है, ये तो इस्लाम के खिलाफ बात कर रहा है, सब लोग आपसे नफरत करने लगेंगे, कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। लिहाजा इन लोगों ने तरीका क्या अपनाया है कि दीन के खिलाफ बात मत करो, उन लोगों के खिलाफ बात करो जो दीन की बात करते हैं, जो दीन को दूसरों तक पहुंचाने वाले हैं, जो अपने सीनों में दीन को बसाने वाले हैं, जो दीन की हिफाजत करने वाले हैं, उनके बारे में बात करो। जब इनका चिराग बुझ जाएगा, ऑटोमेटिक दीन का चिराग बुझने लगेगा। हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा है ये चिराग कभी नहीं बुझेगा। तो ये जो उलमा के खिलाफ, चाहे इस्लाम में या इस्लाम के अलावा किसी और दूसरे धर्म में, उस धर्म के उलमा के खिलाफ अगर बातें होती हैं, तो इसका सीधा मतलब ये है कि जब आपने उलमा से अवाम को मुतनफिर कर दिया, अवाम धीरे धीरे ऑटोमेटिक दीन से मुतनफिर होने लगेंगे और दूर चले जाएंगे। अगर आप थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे और समाज और मुआशरे पर नजर दौड़ाएंगे, तो ये सच्चाई आप पर वाजे हो जाएगी। अगर आप डायरेक्ट कहें कि भाई दीन इस्लाम अच्छा नहीं है, दीन का इल्म अच्छा नहीं है, हो सकता है लोग आपकी बात ना सुने। लेकिन आप कहें कि देखिए उलमा ऐसे होते हैं, अगर आप आलिम बनोगे तो परेशान हाल रहोगे, रोजी नहीं मिलेगी, कोई फ्यूचर नहीं है, ऐसा है वैसा है, अब जो है लोग उलमा से दूर भागने लगे, आलिम बनने से कतराने लगे। जब समाज के अंदर उलमा नहीं रहेंगे, जहालत फैलेगी, ऑटोमेटिक समाज दीन से दूर हो जाएगा। तो ये एक हरबा है। तो जो बात आपने की, ये सिर्फ आपका मसला नहीं है, ये हमारे समाज की इज्तिमाई बीमारी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें महफूज रखे। आमीन आमीन।